बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। मैं कार्य करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि यह जा कहाँ रहा है, फिर मैं इससे सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। ये तो अदृश्य हो गया, आप कहाँ ढूंढेंगे इसे? गणेश जी, लोभासुर तो धन को लेकर प्रस्थान कर गया, अब तो एकमात्र आप ही हमें संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी किसी भी अवस्था में हमें इसकी पहेली को सुलझाना होगा। किंतु गणेश, यदि उसकी पहेलियों को हमारे द्वारा हल करने पर भी उसने अपने वचन का पालन नहीं किया तो? असुर है वो भैया, इसीलिए असत्य वचन कहना तो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है, किंतु यदि उसने ऐसा कपट भी किया तो भी उसकी पहेलियों को सुलझा कर हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वो कहाँ स्थित है, और उससे भी अधिक कि उसने उन अमूल्य रत्नों, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व को कहाँ छिपा रखा है, और हम उस स्थान के निकट भी पहुँच चुके होंगे। तब तो विलम्ब मत कीजिए गणेश जी, अपनी बुद्धि के बल से इसकी पहेली को तत्काल सुलझा दीजिए। ताल में बैठा है एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। ताल में बैठा है एक सरकटा, अर्थात हमें एक ऐसे ताल को ढूंढना है गणेश, जिसमें कोई शीश रहित जीव स्थित हो। किंतु गणेश जी, इतने विशाल पृथ्वी पर ऐसा ताल कहाँ है, ये कैसे ज्ञात कर सकेंगे हम? मयूर जी, चलो अनुज गणेश, हम दोनों को मेरे ही वाहन मयूर जी पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए, जिससे हम ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र संपन्न कर सके। मूषक जी, आप कुबेर जी के साथ आ जाइए। भैया, क्या वास्तव में कोई ऐसा ताल है भी जिसमें कोई शीश रहित प्राणी है, अथवा इन शब्दों के पीछे कोई अन्य ही संकेत है? अनुज गणेश, वो देखो, वहाँ एक ताल दिखाई दे रहा है जिसके मध्य में कुछ है भी, चलो वहीं जाकर देखते हैं। नहीं अनुज गणेश, ये तो वो ताल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मात्र ये वृक्ष का तना ही है। अर्थात ये वो स्थान नहीं है अनुज, जहां हमें हमारी पहेली का हल प्राप्त होगा। मुझे विश्वास हो गया है, हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई ताल है ही नहीं। चलिए भैया, हमें लौटना चाहिए,
नहीं अनुज गणेश, इस प्रकार निराश होना उचित नहीं है। वो देखो वहां नीचे, मेरे विचार से वही है वो ताल। हाँ भैया। आओ अनुज गणेश, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहीं प्राप्त होगा। भैया, इस प्रकार और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। मयूर जी, नहीं मूषक जी। मूषक जी, इस पहेली के शब्दों की सरलता पर मत जाइए, क्योंकि ये पहेली उतनी सरल तो कदापि नहीं। क्या अर्थात गणेश जी, आपको ऐसा कोई ताल मिला ही नहीं? अर्थात हम दोनों से ही बड़ा दोष हुआ है गणेश जी। मैं महादेव द्वारा प्रदान किए हुए धन की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा और आप माता लक्ष्मी को दिया हुआ वचन पूर्ण न कर सके, तो अब हम दोनों को इसका क्या परिणाम भुगतना होगा उसकी तो कल्पना करना भी कठिन है मेरे लिए। अपनी इस अत्यधिक चिंता को शांत कीजिए कुबेर जी, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा, तो बस अब उस समाधान को ढूंढना ही शेष है। अवश्य गणेश जी, किंतु कब और कैसे होगा ये? आप प्रभु, आप तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भी करके आ गए और उस स्थल को ढूंढने में असमर्थ रहे। बुद्धि की शक्ति पर विश्वास रखिए कुबेर जी, मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तनिक विचार तो कर लेने दीजिए। प्रभु, आप तो प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं। शीघ्र विचार कर इस पहेली को सुलझाइए ना प्रभु। कुबेर जी, जिस प्रकार वायु के प्रवाह के बिना वृक्ष का पत्र उड़ान नहीं भर सकता, बिना जल के बहाव के नौका गतिशील नहीं हो सकती, तो बिना उसको प्राप्त किए मैं भी भला कैसे विचार कर सकता हूँ? हैं? उसको? किसको प्रभु? हाँ अनुज, ऐसा क्या है जिसको प्राप्त किए बिना तुम विचार ही नहीं कर सकते? सत्य कहा ना प्रभु? बोलिए बोलिए। मैं अवश्य भोजन की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। अब भोजन कीजिए प्रभु, आप भोजन कीजिए, फिर विचार भी कीजिएगा प्रभु। अवश्य कुबेर जी। ये लीजिए प्रभु, भोजन प्रस्तुत है। उत्तम, अति उत्तम। भांति भांति के भोजन। इतना शीघ्र सब कुछ समाप्त कर दिया प्रभु? प्रतीत होता है बहुत ही भूखे हैं। ये तो मैं भूल ही गया, यदि गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो मेरी क्या दशा होने वाली है, क्योंकि पूर्व में मैं इसी कारण इनका भोजन बनते बनते बचा। कुछ अनर्थ हो इससे पूर्व मुझे गणेश जी की भोजन संतुष्टि का पूर्ण ध्यान रखना होगा। इस बेल पत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी।
मुझे भली भांति स्मरण है प्रभु कि आपको पूर्ण रूप से तृप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ये लीजिए प्रभु। आनंद आ गया, अत्यंत स्वादिष्ट था ये भोजन। बहुत आनंद आया। आपने कुछ कहा प्रभु? अभी तो नहीं। नहीं। आप तीनों की दृष्टि मुझ पर ही क्यों स्थिर है? और इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं मुझे? है? प्रभु, अभी आप ही ने तो कहा था कि भोजन के उपरांत आपकी बुद्धि क्रिया शील हो जाएगी। आप विचार करेंगे और इस पहेली का समाधान निकालेंगे। तो बताइए प्रभु, कोई समाधान मिला? हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। कुबेर जी, भोजन के उपरांत विश्राम नहीं करूंगा तो बुद्धि शांत कैसे होगी? और बुद्धि शांत नहीं होगी तो वो सोचने समझने में कैसे समर्थ होगी? अब ये विश्राम ही करेंगे। उचित है, उचित है। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? दोनों कुबेर जी, दोनों है? गणेश की बुद्धि का यही तो चमत्कार है कि वो विश्राम करते करते भी विचार कर सकता है और विचार करते करते भी विश्राम। आप चिंता मत कीजिए, आप तनिक धीरज रखिए और देखिए गणेश की बुद्धि का चमत्कार। उचित है प्रभु, उचित है। बताएंगे, बताएंगे, अभी बताएंगे। धीरज, धीरज। मैं सो नहीं सकता, मुझे जागना पड़ेगा। मैंने इन सभी को आश्वस्त तो कर दिया कि मैं इस जटिल समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु कैसे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है मुझे। ज्ञान, ज्ञान से स्मरण हुआ कि माँ ने मुझे क्या सीख दी थी। पुत्र, क्या तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? हाँ माँ। पुत्र गणेश, जब भी तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो तब तुम इस सूत्र का स्मरण करना कि कभी कभी शब्दों के सीधे अर्थ से परे जाकर उनमें छिपे उसके वास्तविक अर्थ को ज्ञात किया जा सकता है। ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सीधे अर्थ के परे जाकर उन शब्दों में छिपे अर्थ को ज्ञात करना होगा, तो मैं भी ऐसे ही विचार करता हूँ। इस पहेली के महत्वपूर्ण शब्द क्या है? ताल, सरकटा। ताल, सरकटा। Thank you.
कुबेर जी। नीचे उतरिए मूषक जी। प्रभु, ये क्या है? मूषक जी को भी निद्रा आ गई थी तो वो निद्रा में हो गया। गणेश, तुम कुछ कह रहे थे? भैया, इस पहेली का हल प्राप्त हो गया है मुझे। हाथी उत्तम मनुष्य। सच प्रभु? तो शीघ्रता करो, क्या क्या है वो उपाय और कहाँ है वो ताल? चलिए भैया, शीघ्रता कीजिए, हमें अभी ब्रह्मलोक जाना होगा। है? ब्रह्मलोक? हाँ कुबेर जी, ब्रह्मलोक। गणेश, तुम्हें इतना अधिक विश्वास क्यों है कि वो ताल यहीं कहीं ब्रह्मलोक में स्थित है? ध्यान से देखिए भैया, ये ब्रह्मलोक जहाँ अनेक कमल के पुष्प हैं, एक विशाल ताल ही तो है। और हमें ये भी ज्ञात है कि फूफा जी ब्रह्मदेव का एक पांचवा शीश भी था, जिसे पिताश्री ने भैरव अवतार लेकर उनके शरीर से विलग किया था। हाँ गणेश, तुम उचित ही कह रहे हो। अब मैं समझ गया कि उस दुष्ट असुर ने ऐसा क्यों कहा था कि ताल में बैठा एक सर कटा। गणेश, उसने तो ये भी कहा था कि वहीं उसी के आसपास कहीं मिलेगा मेरा पता। अर्थात इस पहेली के पूर्ण रूप से सुलझने के उपरांत उसकी अगली पहेली भी यही ज्ञात होगी हमें। प्रभु ब्रह्मदेव और माता सरस्वती तो ध्यान मग्न है, उनके ध्यान में कोई व्यवधान उत्पन्न करना तो उचित नहीं। हमें ही यहाँ कोई संकेत ढूंढना चाहिए। इतनी चतुराई से समस्त धन ले आया मैं अपने साथ। अनुभूति हो रही है मुझे, ये धन पागल। देखा है आप दोनों ने, आप दोनों से मैं कुछ मांगू इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है मुझे। अपनी इच्छा भी पूर्ण कर ली मैंने और अब ये धन मेरे पास सुरक्षित है, इसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। क्या हुआ अनुज? गणेश भैया, क्या हुआ है नहीं, ये पूछिए कि क्या दिखाई दिया है मुझे और ऐसा क्या है जो सर्वथा भिन्न है इस कमल पुष्प में? क्योंकि भैया, ब्रह्मलोक में तो दो प्रकार के अर्थात श्वेत अथवा गुलाबी कमल के पुष्प ही हैं, किंतु ये नील वर्ण का कमल पुष्प यहाँ के अन्य पुष्पों में अपवाद है।
अर्थात लोभासुर की प्रथम पहेली को सुलझाने का सूत्र इसी पुष्प में छिपा है अनुज। चित्त शांत हो तो व्यक्ति जटिल से जटिल परिस्थिति में रहकर भी किसी भी संकट का निवारण सरलता से कर लेता है। दुष्ट लोभासुर, अब तुम्हारी दुष्टता के अंत का समय समीप आ चुका है। जब लोभ से उत्पन्न हुआ लोभासुर, जाने कैसे गणेश जी ने किया उस लोभ का अंत, लेकर गजानन अवतार। देखिए श्री विघ्नहर्ता गणेश में।